या कर रोक देता हूँ, लेकिन कंट्रास्ट को बढ़ाने से भी क्या डिफरेंस आ रहा है? और इस तरीके से यहाँ पे फेड का ऑप्शन भी है, इसे भी आप देख लीजिए कि कम ज़्यादा करने पर क्या असर होता है। तो दोस्तों इसके बाद के जो ऑप्शन देखिए, शो इमेज, इस वक्त यहाँ पर ये ऑन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये इमेज आपकी गायब हो जाती है, यानी कि इमेज आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी का। अगर हम इस बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना चाहें तो मैं देखिए इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए बैकग्राउंड इसका रिमूव हो गया और ये ट्रांसपेरेंट हो गई। लेकिन ऐसा दोस्तों केवल पीएनजी फाइल के केस में ही जो है वो पॉसिबल है। जेपीजी फाइल या कोई और फाइल अगर आप उसमें इमेज की ओपन करेंगे तो उसमें बैकग्राउंड रिमूव नहीं होगा, केवल पीएनजी फाइल में ही ऐसा पॉसिबल है। तो दोस्तों ये फीचर्स आपने कुछ देखे। इसके अलावा भी दोस्तों मैं अभी इस्तेमाल करूँगा आपके सामने दो सॉफ्टवेयर और हैं। एक सॉफ्टवेयर है इमेज टू कैड, ये आपको इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो यहाँ पर आप देखें कि देखिए इमेज टू कैड, मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ आइकन पर, यहाँ पर देखिए आपके सामने ये खुल कर आता है। यहाँ पर मैं ऐड फाइल्स पर क्लिक करूँगा, इसके बाद डेस्कटॉप से मैं एक इमेज ले लेता हूँ, ये एक मैं एक मेन गेट है, मेन गेट की इमेज ले लेता हूँ। ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए आउटपुट फोल्डर का एड्रेस मैंने डेस्कटॉप ही दे रखा है, ये DXF फाइल में इसे कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट पर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ओके पर क्लिक किया, इसके बाद ये एक DXF फाइल जनरेट हो गई। यहाँ से हम इसे ओपन करते हैं, ये DXF फाइल आपकी ओपन हो गई, ये CAD फाइल में कन्वर्ट हो गया गेट। तो दोस्तों एक सॉफ्टवेयर ये भी हो गया इमेज टू CAD, और एक दूसरा सॉफ्टवेयर भी हम यूज करते हैं, यहाँ पर देखें आप, मैं कैंसिल कर देता हूँ। एक होता है सॉफ्टवेयर एडोब इलस्ट्रेटर। एडोब इलस्ट्रेटर की मदद से भी हम किसी भी इमेज को जो है वो DWG फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए देखें कैसे करते हैं। फाइल पर जाकर न्यू पर क्लिक करता हूँ, इसके बाद लेटर जगह मैंने यहाँ से A4 ले लिया, ओके पर क्लिक किया, देखिए एक A4 साइज का पेपर आपके सामने आ गया। उसके बाद मैं ओपन पर जाकर क्लिक करता हूँ, यहाँ से डेस्कटॉप पर मैं फिर यही गेट की ड्राइंग उठाई, गेट की इमेज है, इसे ओपन किया। ओपन करने के बाद ये इस तरीके से सामने आ गई। अब यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आ रहा है इमेज ट्रेस का, यहाँ से मैं इसे ले लेता हूँ, ब्लैक एंड वाइट लोगो ये ऑप्शन ले रहा हूँ। इसे लेने के बाद यहाँ से देखिए एक्सपोर्ट पर क्लिक करता हूँ, एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन पहले से आ रहा है AutoCAD drawing.dwg, इसे भी मैं फाइल को Gaurav3 के नाम से डेस्कटॉप पर ही एक्सपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ से हम AutoCAD का वर्जन जो है वो भी चेंज कर सकते हैं, ओके पर क्लिक किया, ये फाइल हमारी कन्वर्ट हो गई। फाइल यहाँ पर आपको दिखाई दी, ये देखिए इस तरीके से फाइल आपके सामने कन्वर्ट होकर आ गई। अब मैं देखिए अभी एक ब्लॉक के तरीके से यहाँ पर आई, जैसे ब्लॉक को हम कहीं पे भी अगर क्लिक करते हैं तो एक बार में पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पर इस ब्लॉक को हम एक्सप्लोर कर देंगे। एक्सप्लोर करने के लिए एक्स टाइप करके एंटर प्रेस किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट लिया और विंडो बना के ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए
तो ये एक काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसे हम किसी भी तरह की इमेज फाइल को TWG फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। ये अक्सर हमें जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इमेजेस में हमको अक्सर अपने मनपसंद चीज़ें मिल जाती हैं और हम ये चाहते हैं कि हमें इसको या तो हमें इसे बनाना पड़ता है देखकर, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम किसी भी इमेज फाइल को ईजीली जो है इन सॉफ्टवेयर की मदद से जो है वो कैड फाइल में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें।